मल्टीवर्स दोस्तों, जब भी मैं मल्टीवर्स का नाम लेता हूं तो आप सभी के दिमाग में बेशक यही ख्याल आता होगा कि ये ब्रह्मांड का वो पहलू है जो हमारे कॉस्मोस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। पर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस वक्त जिस भी जगह पर आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं या फिर खड़े हैं, वहां पर भी एक दूसरा यूनिवर्स जस्ट आपके बगल में ही एग्जिस्ट करता है और आपको उसका आइडिया भी नहीं है। अब देखो, पॉइंट ये है कि मल्टीवर्स इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमने उसे हमेशा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी से कनेक्ट करके समझा है, पर रिसेंटली हमारी नजरों के सामने कुछ ऐसा आया है जो अगर सच निकला तो आप लिटरली अपने आसपास मल्टीवर्स को एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे, वो भी बिना किसी स्पेसक्राफ्ट या फिर किसी छोटे से भी इक्विपमेंट के। कैसे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं मल्टीवर्स के सफर पर। दोस्तों, हमने हमेशा से सुना है कि ब्रह्मांड अनंत तक फैला है, जिसका मतलब है कि इसका कोई भी अंत नहीं है। अब चाहे आप कितनी ही दूर क्यों ना चले जाए, पर ऐसा क्यों? क्या यूनिवर्स फाइनाइट नहीं हो सकता? अब देखो, इसी बात को एज एन अजम्पशन मानकर चलते हुए एक बार एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने साल 1933 में हुई डार्क मैटर और 1998 में होने वाली डार्क एनर्जी की स्टडीज को ध्यान में रखते हुए उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूला और कांस्टेंट थे उन्हें इस फाइनाइट यूनिवर्स के अंदर डालकर देखा। इवन जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारे लिए यूनिवर्स को समझने के लिए इतनी ज़्यादा क्रूशियल थिंग है ना, उसको भी जब इस फाइनाइट सिनेरियो के अंदर ट्रीट किया गया ना, तो मैथमेटिकली और फिजिक्स के लॉज में भी ऐसी एक भी थ्योरी या प्रिंसिपल नहीं थी जो ब्रह्मांड के सीमित होने को फेवर कर रही हो। इवन डब्ल्यू मैप की रीडिंग्स भी फाइनाइट यूनिवर्स के सिनेरियो को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, जिससे ये साफ हो गया कि हमें भले ही ये ना पता हो पर कॉस्मिक होराइजन के पार कुछ तो ऐसा है जिसे हम लोग लाइट स्पीड लिमिटेशन के चलते कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन चाहे वो जो कुछ भी है, उसके हमारे ब्रह्मांड से डिफरेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब देखो, ये बताना इसीलिए जरूरी था ताकि आप समझ सके कि आखिर यूनिवर्स का इनफाइनाइट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर फिजिक्स की स्टेबिलिटी मेंटेन कही जा सकती है। पर देखो, यही स्टडी एक स्वीडिश अमेरिकन फिजिसिस्ट मैक्स टैगमार्क के लिए एक अलग परसेप्शन बनी। उन्होंने अपनी स्टडी और थियरी में कहा कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करने वाला यूनिवर्स सिर्फ नॉर्मल एटम्स का ढेर नहीं होगा, बल्कि वहां पर भी दिमाग को हिलाकर रख देने वाले पॉसिबल आउटकम्स मौजूद होंगे। और अगर एग्जैक्ट भाषा में कहें तो टैगमार्क के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड ही मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये इम्पॉसिबल रीच में इसीलिए है ताकि हम दूसरे ब्रह्मांडों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। अब यहाँ पर मैक्स के हिसाब से मल्टीवर्स लीनियर तरह से हर जगह एक सा नहीं होता, बल्कि अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग मल्टीवर्स के अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स भी होंगे, और इसीलिए उन्होंने मल्टीवर्स के अपने इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग लेवल्स पर क्लासीफाई करके रखा है, जिसे आज हम टैग मार्क्स 4 लेवल्स ऑफ मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। अब उनके हिसाब से ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि आखिर मल्टीवर्स का एग्जिस्ट करना क्यों एक मस्ट पॉसिबिलिटी है, जिसे ऑप्शनल समझकर टाला नहीं जा सकता। और अब हम उन्हीं चारों लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेवल 1 मल्टीवर्स के हिसाब से कॉस्मिक इन्फ्लेशन इनफाइनाइट एर्गोडिक यूनिवर्स को क्रिएट करता है, जिसे आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, बेसिकली मैक्स के हिसाब से हमारा यूनिवर्स जब लगातार फैलता जाता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उसके सारे पैटर्न्स खत्म हो जाते हैं, तब ऐसे में जो यूनिवर्स पहले क्रिएट होकर कंप्लीट हो चुका है उसी यूनिवर्स की कॉपी बाद में इन्फ्लेट हो रहे स्पेस में बनने लगती है। अब इसे आप इस डायग्राम की मदद से समझो। मान लो एक सर्कल है यूनिवर्स ए के नाम से, और उसमें यूनिवर्स बन रहा है। अब जब यही यूनिवर्स एक्सपैंड होकर स्ट्रक्चर के क्रिएशन करते करते अपनी ऑब्जर्वेशन लिमिट में पूरी तरह क्रिएट हो जाता है, तो आइडेंटिकल आउटकम्स बनाने के बजाय इस ऑब्जर्वेशनल लिमिट के बियॉन्ड यूनिवर्स ए की कॉपी क्रिएट होने लगती है, जो यूनिवर्स बी के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड को तो लगातार इन्फ्लेट करना ही है। अब देखो, मैक्स के हिसाब से ये यूनिवर्स बी यूनिवर्स ए से हद से ज्यादा सिमिलर होगा, जहां
साइंस यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सेम फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, सेम फिजिक्स के लॉज और उसी तरह के प्लैनेट्स और गैलेक्सीज मौजूद होंगी। और चूंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, इसीलिए ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस एक के बाद एक आज भी क्रिएट हो रहे होंगे, जिस वजह से इसे मल्टीवर्स के पहले लेवल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यूनिवर्स का दूसरा लेवल इसी चीज को थोड़ा सा ब्रेक करेगा। अब देखो, मैक्स के हिसाब से मल्टीवर्स का दूसरा लेवल भी इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन से ही रिलेट करता है, लेकिन आगे जाकर ब्रांच आउट हो जाता है। दरअसल उनके हिसाब से अनंत ब्रह्मांड के इस फैलते हुए यूनिवर्स के कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो अपने एक्सटेंशन को खत्म कर देते होंगे या फिर रोक देते होंगे। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स के इन स्पेसिफिक एरियाज में ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाता होगा। और चूंकि लेवल 1 मल्टीवर्स के इन चुनिंदा यूनिवर्सेस में एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इन ब्रह्मांड के अंदर अपने अलग फिजिक्स के लॉज, अपने अलग फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स और अपने अलग अलग पैरामीटर्स होते होंगे। आसान भाषा में कहें तो फिजिक्स के जिन फंडामेंटल्स को हम लोग बाकी नॉर्मल ब्रह्मांडों में अप्लाई कर सकते हैं ना, वो यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस होने की वजह से एप्लीकेबल ही नहीं होते होंगे, जिस वजह से यहाँ की परिस्थितियाँ हमारे ब्रह्मांड से बहुत अलग होगी और इसीलिए इन्हें लेवल 2 मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब आता है लेवल 3 मल्टीवर्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ खेलता है। और देखो, इसके लिए हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने हमारे क्वांटम मैकेनिक्स वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद उनको जाकर जरूर देखना। क्वांटम मैकेनिक्स फिर आपको कभी मुश्किल लगेगी ही नहीं। दोस्तों टैगमार्क के हिसाब से लेवल 3 मल्टीवर्स में अमेरिकन फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट थर्ड की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, बोले तो MWI एग्जीक्यूट होती है। अब देखो, इनिशियल आइडियाज के हिसाब से मल्टीवर्स तब क्रिएट होता है जब आप किसी डिसीजन को लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी मम्मी आपसे पूछे कि डिनर में बर्गर खाओगे या दाल चावल, तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस रहेंगे। इस आइडिया के हिसाब से अगर आप मान लीजिए उस दिन बर्गर खाने का फैसला करते हैं, तो एक टाइमलाइन ऐसी भी निकलेगी जहां पर आपके किसी दूसरे वर्जन ने उस रात दाल चावल खाने का फैसला किया होगा। और केवल इस एक चॉइस के आने की वजह से एक यूनिवर्स दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने के फैसले से यूनिवर्स कैसे डिवाइड हो सकता है। आओ ये भी क्लियर कर देते हैं। मान लो उस दिन बर्गर खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई और आप मर गए, वहीं दाल चावल खाने के बाद आपको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, इस छोटे से फैसले की वजह से एक यूनिवर्स में आपकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही है। इसीलिए छोटे छोटे फैसले भी किसी यूनिवर्स के ब्रांच आउट होने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हालांकि देखो, यहाँ पर कैच ये है कि साल 1970s में जहां इस आइडिया को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मानकर प्रपोज किया जा रहा था और उस समय इसका स्पेस से हल्का सा भी कनेक्शन नहीं रखा गया था, वहीं टैगमार्क के अकॉर्डिंग ब्रांच आउट होने वाले यूनिवर्सेस भी लेवल 1 के इनफाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर क्वांटम लेवल पर। अब देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से हमारा ये यूनिवर्स छोटी छोटी एनर्जी स्ट्रिंग्स का बना हुआ है। टैगमार्क ने कहा है कि इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाकी सारे क्वांटम यूनिवर्सेस ठीक वहीं पर मौजूद है जहाँ पर इस समय हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एक इनफाइनाइट डायमेंशन वाले क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में होने के कारण हम अपने आसपास मौजूद होने के बावजूद उस दूसरे यूनिवर्स को देख ही नहीं पाते और ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। अब और सिंपल भाषा में बताएं तो अगर इस वक्त आप एक चेयर में पैर नीचे करके बैठे हैं, तो ठीक आपकी ही जगह पर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर दूसरे यूनिवर्स वाला आप चेयर पर पैर ऊपर करके बैठे होंगे। बस फर्क इतना है कि क्वांटम हिल्बर्ट स्पेस में होने की वजह से ठीक उसी जगह पर बैठे होने के बावजूद आप अपने दूसरे सेल्फ को नहीं देख सकते। और अगर किसी दिन हमने इस हिल्बर्ट स्पेस में देखने की क्षमता हासिल कर ली ना, तो लिटरली हमें अपने आसपास हर जगह सिर्फ हम ही हम दिखाई देंगे। बस फर्क इतना होगा कि जगह सेम होगी पर यूनिवर्स अलग अलग। Now I know कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर साउंड करता है, पर वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे करके वापस से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर आपको थर्ड लेवल नहीं परेशान कर दिया है, तो फोर्थ लेवल तो कहर पर पाने वाला है, क्योंकि टैगमार्क के हिसाब से चाहे हम लोग लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किसी भी यूनिवर्स की बात क्यों ना कर ले, ये सब अंत में एक चीज से ही कनेक्ट हो जाती है और वो चीज है मैथमेटिक्स। अब इसको ऐसे समझते हैं, इस समय आप जिस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं वो आपको भले ही लग रहा होगा कि ये इंटरफेस इतना खूबसूरत है, वीडियो में मेरी शर्ट का कलर कितना अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड कितना सुंदर है, बट असल में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाला एक एक आइटम 0 और 1
वन के फॉर्म में ही रन हो रहा है और जीरो और वन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। अब देखो, मैक्स ने इस थियोरी को सिमुलेशन हाइपोथेसिस से रिलेट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनके हिसाब से चाहे हम क्वांटम लेवल पर बात करें, एस्ट्रो लेवल पर बात करें या यूनिवर्स के ही तीनों लेवल्स को क्यों ना देख ले, ये सब के सब एक मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वो मेजर स्ट्रक्चर मैथ के अकॉर्डिंग चलता है। अब उनके हिसाब से अगर आप अपने सामने एक सेब को भी ले ले तो वो सेब असलियत में मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वो उस मैथमेटिकली स्ट्रक्चर को सेब का रूप दे देता है। और सेम चीज ब्रह्मांड और अलग अलग यूनिवर्सेस के बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इंटरसेप्ट करता है। अब इस थियरी से ना सिर्फ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, आउटकम्स और कॉन्स्टेंट्स वाले यूनिवर्सेस एक हो जाते हैं, बल्कि ये भी क्लियर हो जाता है कि आखिर ये सब अलग अलग होने के बावजूद आइडेंटिकल क्यों दिखते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे किसी भी यूनिवर्स में जाकर किसी भी स्टेट में कुछ भी क्यों ना देख ले, वो हर एक चीज सेट ऑफ मैथमेटिक्स की क्रिएशन का ही नतीजा है और कुछ भी नहीं। और जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को मैथ्स के स्ट्रक्चर में देखने के काबिल हो जाएंगे, तब हम लोग एक अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर लेंगे, वेयर वी विल एंटर द लेवल 4 मल्टीवर्स, एंड हेंस सब कुछ सेट ऑफ मैथ्स से ही बना हुआ है। इसीलिए मैक्स टैगमार्क के हिसाब से यही वो फाइनल डेस्टिनेशन है जिसके आगे सब कुछ ओरिजिनेट होता है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, विच मीन्स कि मैक्स टैगमार्क लेवल 5 मल्टीवर्स को सीधा सीधा इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखो, टैगमार्क की ये थियोरी कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस कोई चॉइस नहीं है बल्कि नेसेसिटी बन जाती है, जिसका सच होना ही अब इस थियोरी की क्रेडिबिलिटी बन सकता है। वैसे देखो, मैक्स टैगमार्क की तरह ही ब्रायन ग्रीन ने भी मल्टीवर्स के 9 टाइप्स को क्लासिफाई किया है। ऐसे में अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा हुए ना तो डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।